तो गाइस आज हमारी राइड स्टार्ट होने वाली है लद्दाख उमिंगला पास की। और इस बार जो मेरे साथ राइड पे पिलियन राइडर है वो है मेरी बीवी। और वो लगी पड़ी है अभी तक मेकअप करने के लिए, मगर उसको ये नहीं पता कि राइडर की लाइफ होती है धूल खाना ना कि पाउडर खाना। तो अभी बस थोड़ी देर में अपना सामान माउंट तो ऑलरेडी है, बस थोड़ी देर में निकलेंगे अपना डिनर करके, क्योंकि आज रात को पूरा बाइक चलेगी। कल देखते हैं, होपफुली हम 1-2 बजे तक मनाली पहुंच जाएं अगर ढंग से ड्राइव करी। बाकी इसके ऊपर है कि इसको कितने हॉल्ट लेने हैं, क्योंकि ये बहुत टाइम बाद राइड कर रही है। तो अभी मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे और ये छाते के साथ। तो हमारी राइड स्टार्ट हो चुकी है, हम निकल चुके हैं अपना अपनी मंजिल की और देखेंगे पहला हॉल्ट कहाँ लेंगे कितने किलोमीटर बाद, बट होपफुली लेंगे 200 या 150 किलोमीटर के बाद ही। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। अपना पहला टोल पानीपत का आ चुका है। तो गाइस अभी पहला हॉल्ट लिया है और एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ये मैडम 150 किलोमीटर के बाद इनको पेन नहीं होगा, मगर ये कह रही है कि मुझे दर्द नहीं हो रहा है, मगर इसकी हालत पूरी खस्ता हो रखी है। हो रहा है पेन? हो रहा है? नहीं हो रहा कह रही है। अब यहाँ से अम्बाला है अप्रॉक्स 70 किलोमीटर, 70 किलोमीटर के बाद ब्रेक लेंगे एक और अगेन। कितने किलोमीटर बाद? 100 के बाद जगह ही नहीं मिली कहीं रुकने की, तो फिर और थोड़ा सा 5-10 किलोमीटर इधर उधर हो जाएगा। तुम ये करने आई है यहाँ? हाँ। ऐसे कौन झूलता है भाई, तो वो भी रात में। बस थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं रूप की रानियों के बीच रूप नगर में। राइड पर हो और बारिश ना हो ऐसा हो नहीं सकता, और इस सुहाने सफ़र को मज़ा बना दिया इस बारिश ने। हम बारिश के मज़े लेते हुए हम अपना सफ़र एंजॉय कर रहे हैं। हेलो मिस्टर जोसफ, आपका नाम हमने रख दिया है मिस्टर जोसफ। ये क्या बोलना चाह रही है मुझे खुद नहीं पता, और इस बेचारे को भी नहीं पता क्योंकि इसकी वॉइस ही नहीं रिकॉर्ड हुई है। बट कोई नहीं, जो भी बोल रही होगी अच्छा ही बोल रही होगी। बस आप सफ़र के मज़े लीजिए और ये देखिए कितनी सुहानी वैली है, हरी भरी है, मस्त मज़ा पटाखा। इनको नींद आ रही थी एक्चुअली। शादी के बाद हमारा फर्स्ट राइड है, वो भी साथ में, वो भी इतना लॉन्ग और टफ राइड। और नाइट जा चुकी है, हम जहाँ जाते हैं वहाँ अंधेरा आ जाता है। हाँ दिन दहाड़े अंधेरा आ गया ना रास्ते पे, एक जगह तो मरते मरते बचे। कोई और मर गया हमारे वजह से, एक जगह तो कोई और मर गया हमारा हमारे बदले, बस 2 सेकंड का डिफरेंस रह गया था। और एक जगह नींद आ गया, सर ने मुझे गड्ढे में गिराने ही वाले थे लेकिन मैं बच गई। अच्छा हुआ जो मैंने अपना बैलेंस बनाए रखा हुआ था, वरना तो दोनों जाते। मैं यहाँ पे बन गई हूँ भूत, मेरे बाल हो गए हैं चुड़ैल और क्या बोलो, मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इतना दूर आ पाऊंगी, वो भी राइड पे बाइक पे, मैंने सोचा ही नहीं था, मुझे कुछ उम्मीद ही नहीं थी, बट मैं आ गई। कैसे आई बताओ, थोड़ा बताओ बताओ। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हाँ कि इतना लंबा डिस्टेंस कवर कर लिया बिना आउच करके, नहीं तो कोई और होता तो वो ये बोलता बार बार रुकते हुए चलो। अब मुझे नींद आ रही है, बहुत अच्छी पिलियन राइडर है, कोई और लेके जाना चाहे तो उसको नहीं मिलेगी क्योंकि मेरी प्रॉपर्टी है। तो सुन लिया आप लोगों ने, ठीक है फिर
हम मनाली पहुंच के फिर से आपको अपडेट देते रहेंगे अपनी। अभी के लिए बाय बाय। फाइनली हम पहुंच चुके हैं मनाली और हम स्टे करने वाले हैं यहाँ पर हाफ डे के बाद हम फाइनली, हमारा आधा राइड कंप्लीट हुआ है। थोड़ा सा तो सुकून मिल रहा है। अब आगे का आगे बताऊंगी। बाय। तुम कैसे पहुंच गई यहाँ पहले? तो गाइस हम रुक रहे हैं ये वाले रूम में, यहाँ पे सर ही बन रहे हैं। हम सर नहीं, हम तुम्हारे पति हैं। अच्छा, पति हो मेरे। गाइस खिड़की से व्यू दिखाती हूँ। कुछ मत दिखाओ, व्यू दिखाओ बस। खिड़की से और सामने ही अपना हिडिंबा टेम्पल है। हाँ, वॉकिंग डिस्टेंस पे एप्पल ट्री है, सामने में एप्पल फला हुआ है, बस छोटा छोटा सा है। बाहर का कुछ व्यू दिखाता, कुछ ऐसा है नजारा, देख सकते हैं आप। ओए होए, क्या कह रहे हैं, पार में आप क्या जान लेंगे, इससे बेहतरीन व्यू नहीं मिल सकता आपको। सामने वादियां और उधर की तरफ ग्लेशियर, और यही है पास पे हिडिंबा टेम्पल। तो थोड़ी देर में अभी फ्रेश होके जाएंगे मंदिर की ओर। और ये देखिए लवारिस लाश। पानी उबलने दो। देखते हैं इसका भी टेस्ट कैसा है। मिल्क पाउडर, सब कॉफी पाउडर, शुगर, सब कुछ इसी में है। तो गाइस अब हम दोनों जा रहे हैं हिडिंबा टेम्पल, यही नियर अबाउट में 200-300 मीटर की दूरी पे। अब देखते हैं हिडिंबा टेम्पल, मैंने तो देख रखा है, इसको दिखा देते हैं पहले। और बाहर का नज़ारा कुछ देखिए ऐसा है, रूम के बाहर का ये देख सकते हैं आप। ये खड़ी अपनी धन्नो एंड उसकी हो गई है हालत खस्ता। एयर मूव्स हो गया नट। चलिए चलिए। हेलो, वो बेचारा मर जाएगा, ये घड़ा बैठेगा यहाँ पे। अच्छा तुम मानती हो कि तुम भैंस हो बम्बू। ये देखो ग्लास गिराने के 300 रुपए 500 रुपए। कभी कभार सीन लास्ट टाइम मार दिया था मुझे। हमारा बच्चा नहीं है और तुम इतनी छोटी नहीं है जो तुम्हारे को आ जाए। ये देखो देखो देखो, कोई भी बच्चा नहीं है इतना बड़ा, तो इतना बड़ा कोई बच्चा नहीं है।
सेब खाना है और यहाँ इतने सेब ही सेब हैं हर जगह। वह कोई कुछ कहना दे तो इसलिए कुत्ते खा सकते हैं, मगर इंसान तोड़ लेंगे तो लोग हल्ला मचाने लगेंगे। ये मंगवाया हमने सिड्डू मूसे वाला और अब हम खाएंगे इसको और ये खाएगी, टेस्ट करके बताएगी कि कैसा है। हज्जा शुरू गुरु, हज्जा शुरू चटनी के साथ। बताऊंगी मैं, ठीक है, कैसा है टेस्ट? गरम है क्या है? मुझे अच्छा नहीं लगा। तो ने बॉस दी सुना ना, क्या बुना हो वो बॉस ना बोले तो तेरी बेजेता। हाँ के देखो तुम्हें कैसा क्या डाइना साहब वाला। मुझे एक चीज अच्छी लगी बस, इसकी चटनी और कुछ नहीं। हाँ ये सिड्डू ना है, ये बिड्डू है। तू क्यों कहा ड्राई फ्रूट? 200 रुपए का एक पीस वेस्ट करवा दिया ना, गए ना 200 रुपए, 200 रुपए। तो गाइस हम फ्रेश होके हिडिम्बा टेंपल चले गए थे, फिर उसके बाद आके एक नींद ले ली थी, फिर थोड़ा डिनर वगैरह किया हमने और अब अपना टाइम हो चुका है फिर दोबारा सोने का। तो आज डे 1 यहाँ पे फिनिश करते हैं क्योंकि कल की भी राइड बहुत हार्ड होने वाली है और मज़ेदार होने वाली है, जिसमें आएगा बीच में 12 लाचला पास, जहाँ पे मैडम को थोड़ी स्नो वगैरह अगर देखने को मिल गई और नसीब हुआ स्नोफॉल हो गई तो बहुत अच्छा होगा। तो कल मिलेंगे, आज का डे इतना हार्ड रहा नहीं क्योंकि मौसम भी सुहाना था और राइड भी अच्छी हुई। रुकते रुकाते हम अप्रॉक्स 1 बजे तक पहुंच गए थे मनाली, नहीं तो हम 11 बजे तक समथिंग पहुंच जाते मनाली में। तो बस आज का इतना ही ब्लॉग है, कल मिलते हैं एक नए सफर खाने के साथ भाई जगह पे। चलिए अपना और अपने तो यहाँ पे अपना सारा सामान पैक हो चुका है, बस बाइक पे सामान माउंट करना है और फिर करेंगे आज की जर्नी स्टार्ट। अभी थोड़ी देर में मिलते बाइक पे सामान माउंट करके, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा टास्क है सामान माउंट करना। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, होप आप लोग सब अच्छे होंगे। हम उठ चुके हैं और उठ के रेडी हो चुके हैं निकलने के लिए और हमारा सामान भी पैक हो चुका है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा सामान कैसे पैक हुआ है। ओके, हम निकल चुके हैं, अब हमारा सामान भी पैक हो चुका है। देखिए बाइक पे लग चुकी है, हम चलने के लिए रेडी है। तो दिखाते हैं आपको माल रोड सुबह सुबह कितनी शांत है। तो चलिए राइड स्टार्ट करते हैं आज की, हर हर महादेव। जब ऐसी जगह आएगी ना स्लोप तो वजन ना पीछे कर लेना अपना। ठंडी वादियों की हवाएं हम लेते जाए, हवाएं लेते जाए।
तो गाइज रूम से चेकआउट करके हम फाइनली पहुंच चुके थे अटल टनल, और अटल टनल का मेरे को पहले से कुछ ज़्यादा ही डिफरेंट रूट लग रहा है, या मैं उस टाइम पे आया था इतना नोटिस नहीं किया, या लॉन्ग पीरियड हो गया है तो शायद। तो ये देख सकते हैं पीछे अपना अटल टनल है, और वो मैडम लगी पड़ी है वहाँ पे फोटो शूट के लिए। और अब इस टनल से बाहर निकलेंगे तो अपना पहुँच जाएंगे हम पॉइंट पे, जहाँ से एक जाएगा स्पीति लाहौल स्पीति के लिए रास्ता, और एक जाएगा लेह के लिए। कहाँ पहुँचे, ये कौन सी जगह? अटल टनल क्रॉस किए। अच्छा, अभी जस्ट हम अटल टनल क्रॉस किए हैं। और ये कौन सा ब्रिज है? ये चंद्रा ब्रिज। चंद्रा ब्रिज, और यहाँ से ये वाला रास्ता जाता है अपना लाहौल स्पीति के लिए, और ये वाला जाता है अपना लेह लद्दाख। लाहौल स्पीति, और ये वाला ये मनाली लेह हाईवे है, ये लेह के लिए जा रहा है, और ये लाहौल स्पीति। ये जाता है हमारे दिल्ली। तो गाइज इस क्रैश गार्ड को लगाने का आज बेनिफिट हुआ है असलियत में। ये देखिए जेरी कैन कहाँ पे माउंट की गई है। इजी है, सामने रहेगी, बढ़िया रहेगी, बस फटनी ना चाहिए। और एक तरफ पानी की बोतल, एक तरफ पेट्रोल। चलिए निकलते हैं अब। की लॉन्ग पेट्रोल मिल जाता है यहाँ पे, बहुत रेयर होता है कभी कभार कि पेट्रोल नहीं मिलता। जैसे अभी हमारे भरने के बाद इन्होंने कह दिया पेट्रोल फिनिश। तो गाइज मैं 2021 में आई थिंक, नहीं 2022 में मैंने जब सच पास किया था तब भी मैंने यहीं पे ही ब्रेकफास्ट किया था, क्योंकि मैं यहाँ से झंस्कार के लिए निकल रहा था। तो मैं यहाँ से कीलांग से ब्रेकफास्ट करके गया था। एक्चुअली मैंने यहाँ पे अपना लोगो पहले ही लगा रखा था, वो हटा दिया था, तो फिर दोबारा मैंने अपना लोगो स्टिक कर दिया है वहाँ पे। और ये देखिए शांतिपूर्वक कीलांग। और जिन्होंने मेरी पहले वीडियो देखी होगी तो इसका आपने पूरा व्यू देखा होगा। क्या खाओगी? पराठे। अभी क्या इंसिडेंट हो गया था तुम्हारे साथ? बाइक खराब हो गई थी। बाइक खराब ही हुई थी। एक्चुअली हुआ ये है, धूप ज़्यादा हैगी और फुल टैंक करा दिया है, तो उसकी वजह से गैस बन रही है और स्टार्ट होने में दिक्कत आ रही थी बाइक को। देख रहा है विनोद, वही जगह, वही माहौल और वही टेबल, बस तेरी कमी है, पहले तू था आज मेरी लुगाई है। और बाइक भी बदल चुकी है, देख रहा है विनोद, वही केले है, वही केले की मार्केट है। एक्चुअली इस टाइम पे हमारे को 12 लाचला पहुंच जाना चाहिए था, लेट हैं क्योंकि बाइक ने भी आधा घंटा वेस्ट कर दिया है। अभी हटा रखा है टैंक बॉय को, पीछे को कर रखा है, जिसकी वजह से एयर ना बने। हमें यहाँ पे एक घंटा हो गया अब, क्योंकि हम वहाँ पे पेट्रोल पंप में पूछ के फिर गए पेट्रोल वो लेने। अब सीधा 12 लाचला रोकेंगे, नहीं जिस पर रोकेंगे राउंड अबाउट पे, देन उसके बाद सीधा 12 लाचला। एक घंटा तो हमने यहीं पे रोक किया। तो ब्रेकफास्ट आ चुका है अपना, ये रही चटनी विभिन्न विभिन्न प्रकार की, ये रही लड़की नेपाल प्रकार की, वो रही बाइक दिल्ली प्रकार की।
बाइक नहीं चढ़ पाएगी। गाइस देखो ये अपना स्टिकर लगाना कहीं नहीं छोड़ेंगे, यहाँ पे भी अपना स्टिकर लगा रहे हैं। कोई नहीं आगे जाके सिखाते। हिमाचल प्रदेश खत्म होने वाला है, अब हम एंट्री कर रहे हैं। अभी सरचू पहुँचे हैं और एक नंबर लग आया था। यहाँ पे वॉशरूम वगैरह के ऑप्शन है नहीं, तो मैं दिखाता हूँ आपको एक जगह वॉशरूम मिला कि कुछ कर लिया जाए, मगर मन ऐसा किया कि भाई कुछ नहीं हो पाएगा। देखिए ये रहा वॉशरूम, इसके अंदर करेंगे या मरेंगे आप ही बताइएगा कि क्या किया जाए, करें या मरें। तो अभी अभी हम पहुँचे हैं दोनों के दोनों। सरचू बाइक में एक मेजर सा प्रॉब्लम आया है कि मिसिंग मार रही है, अभी देखेंगे आगे, या हाइट पे है इस वजह से इशू आ रहा है, मगर ये समझ नहीं आ रहा फ्यूल इंजेक्शन होने के बाद भी बाइक तब भी मिसिंग क्यों कर रही है। आप करो स्टार्ट कर लो बस, है ना, चलने फायदा कुछ नहीं है। अच्छा ये बड़ा है रूम, ये तो छोटा है, यहाँ पे ये छोटा है। अभी तो ये लोग काम आता ना इसलिए दे देते हैं। वही ठीक है, वही ना बड़ा ही। हेलो गाइस, हम पहुंच चुके हैं सरचू
और हम यहाँ पे रुकने वाले हैं, दिखा दो रूम। हमें ये भी मिल गया है, बहुत बड़ी बात है भाई साहब। 600 रुपए में ये मिला है विद अटैच बाथरूम, सही है। 10:30 बजे तक लास्ट लाइट आएगी, जोर चार्ज करना है कर लो, उसके बाद लाइट कट जाएगा। हाँ, रिमोट एरिया है। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं सरचू, ये कैंप मिला है 600 रुपए में, पर हेड है 300 रुपए, कमेटी का चार्जेस है, ये कह रहे हैं यहाँ पे कमेटी का चार्जेस 300 रुपए पर पर्सन है। तो यहीं स्टे करेंगे आज और कल निकलेंगे अपना डेबरिंग के लिए। तो यहाँ के लोग बता रहे थे, एक्चुअली हम पहुँचे हैं 4:30 बजे, 4:30 बजे के वजह से ये हुआ है कि यहाँ के जो लोकल्स हैं वो कह रहे हैं कि तांगलांगला आएगा, फिर बीच में एक और आएगी जगह जिंग जिंग बार है, पता नहीं कौन सी है, तो वहाँ पे दिक्कत आएगी। एक तो बाइक स्टार्ट नहीं होती, बहुत कोल्ड प्लेस है, कपड़े भी चेंज करने पड़ेंगे, कोल्ड वाले विंटर्स वाले पहनने पड़ेंगे, और प्लस रास्ता भी ख़राब है, तो रिस्क नहीं ले सकते। आज यहीं पे थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, फिर उसके बाद करेंगे अपना रेस्ट। और बाइक ने भी साथ छोड़ दिया है, क्योंकि समझ जाओ हो गया है ओवरलोड। अभी देखते हैं वो बैग हटाने के बाद अगर मिसिंग ख़त्म हो जाती है तो वो बैग की इशू है, अगर मिसिंग नहीं ख़त्म होती तो इसका मतलब बैग में ही, वो बाइक में ही कुछ प्रॉब्लम आया है। हाय गाइस, गुड इवनिंग। हम आके सो गए थे, अभी सो के जस्ट उठे हैं और इनको हो रही है सांस लेने में प्रॉब्लम, इनकी हालत ख़राब हो रही है। देखिए ये है राइडर।